हेलो एवरीवन, आज वाटर कलर का ड्राइंग कर रहे हैं विलेज सीनरी। देखिए, इसके लिए एक सीनरी ड्रॉ करते हैं। वाटर कलर के लिए हल्का सा लाइट वर्क करते हैं, एक विलेज ड्रॉ करते हैं। विलेज ड्रॉ करने के लिए 0.7 पेंसिल का यूज़ करना है। 0.7 से लाइट वर्क करना है। लाइट वर्क करके हल्का हल्का पेंसिल से ड्रॉ कीजिए, लाइट वर्क कीजिए इस प्रकार। इस प्रकार से हल्का हल्का लाइट वर्क करता है। हल्का लाइट वर्क करके एक पेड़ का स्ट्रक्चर कर देते हैं। उसके बाद इस साइड पे ड्रॉ लाइट वर्क ही करना है। एक ह्यूमन है, ड्रॉ करना है। पहले वाटर कलर के लिए पहले इसका पानी को अच्छे से मिला लेते हैं इस प्रकार से। पानी लगा लेंगे। पानी लगाने के बाद कोबल्ट ब्लू हल्का सा लगाना है। कॉर्ड लगाने के बाद येलो कलर का थोड़ा सा इस प्रकार से। इस तरह येलो कलर देना है। येलो करने के बाद सैप ग्रीन कलर इस प्रकार लाइट वर्क देते हैं। इस प्रकार लाइट ग्रीन देने के बाद लाइट ग्रीन से देते हैं। लाइट ग्रीन दिए हैं, लाइट ग्रीन थोड़ा कुछ समय के लिए सूखने के लिए देंगे। सूख जाने के बाद ही वर्क करेंगे। क्रिम्सन एंड ब्लू को वर्क करने बाद क्रिम्सन एंड ब्लू को लाइट वर्क देते हैं। लाइट वर्क देंगे तो हल्का सा ये इफेक्ट निकालेंगे। हल्का सा देंगे साइड से वर्क देंगे। हल्का पेड़ ब्रांच बनाएंगे इस प्रकार देंगे। कलर को ब्रश चलाना है, ब्रश को तिरछा चलाना होगा। ब्रश को हल्का सा तिरछा डाउन करके चलाइए, इससे क्या कलर इफेक्ट अच्छा बनता है। कलर इफेक्ट अच्छा बनेगा इस प्रकार देना है। कुछ समय के छोड़ सूखने देते हैं। ऑकर कलर लेना है। ऑकर कलर का हल्का सा इफेक्ट इधर साइड से देना है, हल्का सा। फिर क्रिम्सन एंड ब्लू मिलाकर हल्का हल्का लाइट वर्क रेड
रेड का थोड़ा सा इफेक्ट, हल्का सा लाइट वर्क देंगे, येलो कलर, येलो कलर, लाइट कलर, कलर को लाइट पर ध्यान देना, कलर डार्क ना हो, थोड़ा सा कलर का कॉम्बिनेशन अच्छा बने। ब्राउन का कलर, ब्राउन इफेक्ट देंगे, ब्राउन कलर को हल्का सा हल्का लाइट चलाना है तो डार्क इफेक्ट दे देंगे। डार्क ग्रीन, डार्क ग्रीन पेड़ के साइड साइड में देना है इस साइड, इस प्रकार से। हल्का सा फैलाना है, फैलाते रहेंगे। कलर को इफेक्ट निकालने के लिए थोड़ा थोड़ा ध्यान देना है कि कलर को लाइट डार्क इफेक्ट अच्छा रहे। लाइट ऑकर कलर करना है, ऑकर हल्का सा लाइट ऑकर करना है, इसमें भी येलो पहले देंगे, येलो के बाद ऑकर। इस प्रकार लाइट लाइट वर्क करना है, लाइट लाइट वर्क, हल्का हल्का सूखने के बाद थोड़ा सा वर्क करते हैं इस प्रकार। इसका वर्क करते हैं,
वाटर कलर में एक ध्यान रखना है कि जब भी ड्राइंग कलर करते हैं तो सब वाटर कलर फैला देते हैं, और वाटर कलर थोड़ा सा इफेक्ट देने के लिए हल्का सा लाइट वर्क करना है सब ब्लू कलर कलर का। लाइट वर्क रखना है, लाइट वर्क रखना है, डार्क डार्क नहीं करना है, डार्क इफेक्ट नहीं देना है। सूखने के बाद कलर का इफेक्ट होता है, सो लाइट डार्क का इफेक्ट है। इस तरह देना है। इस प्रकार से इस तरह देखिए डार्क लाइट का डार्क देते हैं, इस तरह डार्क देना है। इस पेड़ में ऑकर कलर और ब्राउन कलर थोड़ा सा इफेक्ट देखिए मिलाकर वन साइड से इस प्रकार देते हैं। इस तरह डार्क ग्रीन का इफेक्ट निकालते हैं, हल्का हल्का लीफ बना पत्ता बनाएंगे। हल्का हल्का वर्क करना है, लाइट वर्क करके देखिए थोड़ा सा हल्का सा इस तरह काम करना है। लाइट वर्क करना है, लाइट वर्क करके देना है जैसे देखें।
हल्का हल्का लाइट वर्क करते हैं। वाटर कलर का इफेक्ट हो गया। हल्का घास देंगे। लगकर उसे इफेक्ट दिखाएंगे। तसली पत्ता टाइप का बनाते जाएंगे। इस तरह इफेक्ट निकालते जाते हैं। फिनिशिंग के लिए थोड़ा सा घास का थोड़ा सा इफेक्ट दिखाएंगे, घास का थोड़ा सा दिखा देंगे, अच्छा लगे, सुंदर लगेगा। इस प्रकार तरह देना है। थोड़े सूखने के बाद पेपर को फिर ये मास्किंग टेप से खोल देंगे। इस प्रकार ये ड्राइंग कंप्लीट हो गया है। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स कीजिए। थैंक यू।